हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKD चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज भी हम लोग एक शेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। और ये शेयर का नाम आपको 110% पता है, बट फिर भी मैं जैसे बोलता हुआ, इवन दो बहुत सारे लोगों को फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर के कंपनी कौन कौन सी है वो पता होने के बावजूद वो शेयर अपने आप खरीद के अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखते, जस्ट बिकॉज ऑफ उसका प्राइस थोड़ा हाई होता है इसीलिए। तो आज भी हम लोग ऐसे ही एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसने अपना ऑल टाइम हाई अचीव किया है। इससे पहले भी मैंने हाल ही में 2 या 3 दिन पहले ऐसे ही वीडियो अपलोड किया था कि कुछ शेयर है जिन्होंने अपना ऑल टाइम हाई अचीव किया है। तो बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में उस शेयर का भी नाम लिखा था, सर ये शेयर के भी नाम इस लिस्ट में होना चाहिए था। मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ कि ऐसे सिर्फ वो शेयर ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे शेयर है जिन्होंने अपने ऑल टाइम हाई अचीव किए हैं। बहुत सारे कंपनी है, जैसे मैं बोलता हूँ NSE पे 1500 से भी ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है और BSE से तो 5000 कंपनियाँ लिस्टेड है, उससे भी ज़्यादा। तो बहुत सारे ऐसे कंपनी के अच्छे अच्छे कंपनी के शेयर है जिन्होंने अपना ऑल टाइम हाई अचीव किया है। तो वो जस्ट मैंने वो 3 शेयर बताए थे, वो जस्ट एक मतलब बोलते हैं ना एक नॉर्मल ये था, बट अब बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट किया था सर ये शेयर भी आना चाहिए, ये शेयर भी आना चाहिए। तो उसमें से एक शेयर मुझे ऐसा लगा कि उस लिस्ट में होना चाहिए था जो मैंने आपको नहीं बताया। तो स्पेसिफिकली ये वीडियो मैंने उस शेयर से रिलेटेड ही बनाया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं वो कौन सा शेयर है जो फंडामेंटली इतना स्ट्रांग है और उसने अपना 52-week हाई नहीं बल्कि अपना ऑल टाइम हाई अचीव किया है। और वो शेयर है आपके सामने आ चुका है फ्रेंड्स, उसका नाम है टाइटन। बहुत सारे लोगों को पता है टाइटन कंपनी, और सबसे बड़ी वजह है टाइटन कंपनी मतलब ये शेयर फेमस होने का आप सभी लोगों को पता है, राकेश झुनझुनवाला जी। हाँ, क्योंकि राकेश झुनझुनवाला जी को सबसे ज़्यादा मतलब बिलियनियर बनने का सबसे ज़्यादा हाथ था तो टाइटन का ही था, जो कि उन्होंने ये शेयर को 3 रुपये में ख़रीदा था। तो आप देख सकते हैं कि इसी वजह से अगर कोई भी स्टॉक मार्केट में नया आ जाता है तो उनको राकेश झुनझुनवाला की स्टोरी पता ही होती है, और वहाँ पे हमेशा टाइटन का एग्जांपल दिया जाता है तो उन लोगों को समझ में आता है कि टाइटन करके एक कंपनी और उसका शेयर भी है। तो इसी वजह से ये एक शेयर बहुत ही पॉपुलर है। बट आप सभी लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि बहुत कम लोग होंगे जो ये शेयर खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रख देते हैं। मतलब चलो अभी आपको मैं थोड़ा सा इसका बातें बता देता हूँ कि आज आप इसको देख सकते हैं, आज भी इसका परफॉर्मेंस देखिए करीब करीब 7 रुपये अप था, बहुत ही अच्छा लेवल पे चल रहा है। इस अगर 5 दिन पहले भी अगर आप चेकआउट करो तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1044 के लेवल पे मिलता था। अगर 1 महीने पहले की बात अगर आप देखोगे तो 1039 पे मिलता था, 1 ईयर पे देख लीजिए तो करीब 1000 से भी नीचे था, 872। और अगर आप देखोगे अगर 1 ईयर का चार्ट पैटर्न तो आप देख सकते हो कि इसमें एक डीप गिरावट आई थी, और वो अगर चेकआउट करोगे तो आपको ये शेयर 750 पे मिलता था। और सिर्फ वो कब मिल रहा था आप यहाँ पे डेट भी चेकआउट कर सकते हो, 9th of October 2018, अक्टूबर मतलब करीब करीब 6 महीने पहले की ये बात है फ्रेंड्स। तो हमेशा जो मैं बोलता हूँ अगर आपने वो बात अपने दिमाग में हमेशा रख ली, क्योंकि मैं हमेशा क्यों रिपीट करता हूँ वो वीडियो में, आपके दिमाग में वो बात जानी चाहिए। अगर कोई भी शेयर फंडामेंटल स्ट्रांग शेयर है तो जब भी वो नीचे गिरता है तो उसका एडवांटेज लेना है। बेस्ट एग्जांपल अभी बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं विप्रो का शेयर नीचे आ रहा है, उसके बाद इन्फोसिस गिर रहा है, तो मैं उन्हें उनको कहा है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में रहेगा तो ये प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करने का समय नहीं है, बल्कि ये गिरावट का फ़ायदा उठा के आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी खरीदते रहना। जैसे कि मैंने कहा था कि ये शेयर जब भी 52-week हाई अचीव कर लेते तो वहाँ से एक करेक्शन आता है, मतलब प्रॉफिट बुक हो जाता है, तो इसके वजह से वो चार्ट नीचे आ जाता है, तो उसका फ़ायदा हम लोगों को उठाना है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था सर इन्फोसिस मैंने बहुत ही अच्छे लेवल पे ख़रीदा था और 750 पे मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस भी दिख रहा था, मतलब प्रॉफिट भी हो रहा था, बट मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया और आज वो करीब करीब 700 के करीब आ चुका है, तो ऐसा लग रहा है कि काश मैंने वो प्रॉफिट बुक किया होता। तो मैं उनको यही बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, हम लोग स्टॉक मार्केट में बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाने के लिए आए, अगर आप वो शेयर बेचोगे तो 50 रुपीज़ पर शेयर सिर्फ प्रॉफिट हो जाता है आपको, या फिर 100 रुपीज़, तो ये कोई अच्छा मार्जिन नहीं है। अगर आप शेयर इस इन्फोसिस हो या फिर विप्रो जैसे शेयर या फिर कोई भी टाइटन हो या फिर जो कोई भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर है, अगर आप इसको लंबी अवधि के लिए मतलब 5 से 10 साल तक अगर आप इसको होल्ड करोगे तो फ्रेंड्स ये आपको लाख लाख रुपया कमा के देने वाला है। बट हमेशा का प्रॉब्लम होता है रिटेल निवेशकों का कि जब भी उनको थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता है, मतलब 5000-10000 प्रॉफिट दिखता है, तो उनको वो संभाला नहीं जाता है, मतलब वो शेयर को बेच देते हैं और वो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो इसी से रिलेटेड मैं आपको ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ कि आप देख सकते हो कि टाइटन भी आप देख सकते हो जस्ट बिफोर अ 6th मंथ
जस्ट बिफोर अ सिक्स मंथ वो 750 पे था, और आफ्टर अ सिक्स मंथ आप देख सकते हो सिर्फ 6 महीने के बाद इसने 52 वीक हाई नहीं है फ्रेंड्स, ये इसका ऑल टाइम हाई है। तो ये हमेशा मैं बात आपको रिपीटली बोलते रहूँगा हर एक वीडियो में, जब तक आपके दिमाग में फिट ना हो जाए कि जब भी कोई भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर का कंपनी का शेयर गिरता है, गिरावट आती है, तो वो एक अच्छी बात होती है क्योंकि आपको वो खरीदने का मौका दे रहा है। तो आप देख सकते हो अगर जिन जिन लोगों ने यहाँ पे उस फायदा उठाया रहेगा तो आप देख सकते हो सिर्फ सिक्स मंथ में उनको क्या ज़बरदस्त मुनाफा हुआ होगा, क्योंकि ये 750 पे मिलता था और अभी आप इसका प्राइस देख सकते हो 1100 के करीब आ चुका है। तो अगर ये 5 साल पहले का भी चार्ट देख लो, देखिए क्या शानदार चार्ट है। 5 साल पहले ये सिर्फ 250 रुपीज़ पे मिलता था, सिर्फ 250 रुपीज़ पे। और अगर ऑल टाइम चार्ट चेकआउट करोगे तो ये देखिए बहुत ही लो, और ये लेवल पे ही है जहाँ पे राकेश झुनझुनवाला जी ने ख़रीदा होगा, क्योंकि ये 3 रुपये के करीब है। तो अल्टीमेटली मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप चार्ट देखिए क्या मस्त अप ट्रेंड में है हमेशा। देखिए फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे चेकआउट किया होगा कि रोज अप ट्रेंड में नहीं होता है, जैसे मैंने कहा हमेशा गिरावट रहेगी, पर हमेशा बोलते हैं ना, हमेशा गिरावट भी नहीं रहेगी, वापस वो कमबैक भी करेगा। तो आप देख सकते कि अल्टीमेटली उसका जो चार्ट है वो अप ट्रेंड में ही जा रहा है। तो ये बहुत ही एक अच्छा शेयर है, बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रांग शेयर है। और जैसे मैंने कहा अगर आप इसका ऑल टाइम चार्ट चेकआउट करो तो ये देखिए ये पोजीशन पे देखिए कोई इससे पहले आप देख सकते उसने ये लेवल अचीव ही नहीं किया है। तो इसका मतलब ये बोलने का कंक्लूजन क्या है, अगर आप अच्छे शेयर को लंबी अवधि के लिए होल्ड करोगे तो ये आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा के देगा। सिर्फ आपको एक चीज़ करनी कि आपको पेशेंस के साथ होल्ड करना है। बहुत ही अच्छा शेयर है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा शेयर है। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने ये NSE के साइट ऑफिशियल वेबसाइट पे ये शेयर ओपन किया, इसके डिटेल थोड़ी हम लोग देख लेंगे तो और भी आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा इस शेयर के बारे में। तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। देखिए फ्रेंड, जो भी शेयर, जो भी कंपनी का शेयर वो इतना आउट परफॉर्म कर रहा है, मतलब इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मतलब ऑल टाइम हाई पे, तो ये कोई बताने वाली बात ही नहीं बनती कि वो कंपनी कैसी रहेगी। मतलब उसका क्वार्टरली प्रॉफिट डेफिनेटली अच्छा ही रहेगा। अगर कोई कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफिट पिछले क्वार्टर से अगर वो ख़राब चल रहा है, थोड़ी ना वो कंपनी 52 वीक हाई अचीव करेगी या फिर ऑल टाइम हाई। तो ये ऑब्वियस बात है कि कंपनी ने अच्छा ही खासा प्रॉफिट कमाया होगा। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि पिछला क्वार्टर सितंबर, यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो आप, 31,000 प्लस प्रॉफिट था। मैं हमेशा बोलता हूँ ये बहुत ही बड़े फिगर्स रहते हैं, इसलिए ये रुपीज़ इन लैक्स नीचे रखा हुआ है। और उसके बाद आप देख सकते हो कि 41,000 नेक्स्ट क्वार्टर दिसंबर वाला, तो आप देख सकते हो करीब करीब 10,000 लैक्स सिर्फ 3 महीने में उन्होंने ग्रोथ देखी है फ्रेंड्स, कितनी बड़ी ग्रोथ है। और इसी का तो वजह है कि ये कंपनी क्यों ऑल टाइम हाई पे चल रही है। और अगर इतना ज़बरदस्त प्रॉफिट रहेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे रिजल्ट भी देखेंगे। यहाँ पे रिजल्ट मतलब यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो कि कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया है। बहुत ही अच्छे खासा डिविडेंड देती है कंपनी और कंटिन्यूसली देती ही चली जाती है। आप देख सकते हो डिविडेंड में अच्छा खासा ग्रोथ है और 2 बार डिविडेंड दिया है। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, मतलब इंटरिम भी देती है, फाइनल भी देती है। तो जितना इनका प्रॉफिट बढ़ेगा ऑब्वियसली कंपनी उतने ज़्यादा डिविडेंड देगी। चलो तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही अच्छा है, प्रमोटर्स के पास 50%+ से शेयर है उनके पास। तो ओवरऑल आप पैकेज देखोगे तो ये शेयर कितना ज़बरदस्त है, क्योंकि इसका ट्रेंड भी अप ट्रेंड में है। उसके बाद अगर आप प्रमोटर की होल्डिंग भी चेकआउट करोगे तो 50+ है। प्लेस तो होगा नहीं, इतना तो कॉमन सेंस आप में भी रहेगा, क्योंकि इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रही है कंपनी। और चौथी बात, इसका क्वार्टरली प्रॉफिट वो भी बहुत ही अच्छा एट्रैक्टिवली वो कंपनी ग्रो ही करती चली जा रही है। तो इसीलिए आप रिजल्ट भी देख सकते हो कि कंपनी क्यों इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है। सो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड एक मैं आपको एक सीख भी देने वाला हूँ इसी वीडियो में, कि एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जिससे रिलेटेड मैं एक फुलफिल वीडियो भी बनाने वाला हूँ लेटर ऑन पार्ट में। बट इसी वीडियो में भी मैं उसका पार्ट थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ, तो आपको एक और एक अच्छा सीखने को कुछ मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वो क्या है नॉलेजेबल थिंग्स, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। वापस हम लोग टाइटन शेयर ओपन किए, इसका चार्ट आपके सामने आ चुका है। अगर आप चेकआउट करोगे यहाँ पे 1 साल का चार्ट ओपन करोगे तो आप सभी लोगों को मैं कुछ बात बताने वाला हूँ। आप सभी लोगों को ये पता है कि टाइटन ये शेयर राकेश झुनझुनवाला जी के पास है, डेफिनेटली है, बहुत भारी क्वांटिटी में है। आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि इस साल मिस्टर राकेश झुनझुनवाला जी ने अपना कुछ हिस्सा टाइटन में से निकाल लिया, मतलब उन्होंने सोल्ड आउट कर लिया। और आप सभी लोगों को पता है कि अगर वो शेयर बेचेंगे तो हमारे जैसा तो नहीं होगा, क्योंकि वो बल्क डील दिखती है, बहुत ही बड़ा सोल्ड आउट दिखता है, मतलब कुछ लाख शेयर पीछे बेच दिए होंगे उन लोगों ने। तो सडनली आप देख सकते हो कि टाइटन का जो चार्ट था वो नीचे आ गया, मतलब मिस्टर राकेश झुनझुनवाला जी ने अपनी पूरी होल्डिंग नहीं बेची टाइटन में से, बट थोड़ी सी होल्डिंग बेच दी।
तो अभी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, कुछ लोग क्या करते हैं कि मिस्टर राकेश झुनझुनवाला जी ने अगर टाइटन का थोड़ा सा होल्डिंग बेच दिया तो ये कंक्लूड कर लेते, ये मान के चल जाते कि अभी टाइटन शेयर में कुछ बचा ही नहीं है, मतलब ये कुछ अच्छा परफॉर्म ही नहीं करेगा। और इसी की वजह है ये आपको ये जो गिरावट मैंने दिखाई, या आप देख सकते हो ये गिरावट, इतनी बड़ी गिरावट क्यों हुई टाइटन जैसे स्ट्रॉन्ग शेयर में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगा कि मिस्टर राकेश झुनझुनवाला अपने स्टेक बेच रहे, मतलब ये कंपनी आगे फ्यूचर में शायद से अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाली है। तो इसी का आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पैनिक सेल हुआ है और इसके वजह से कंटिन्यूसली इसमें एक डाउनफॉल आ गया। तो सीखने की बात यही है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 750 पे आ गया शेयर, और अगर इससे पहले अगर आप चेकआउट करोगे तो इसका प्राइस था करीब करीब 1000 रुपया, 1000 से सडनली शेयर आ गया 750 पे। तो आप देख सकते हो कि इतना बड़ा डाउनफॉल आ गया, क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मान लिया कि ये शेयर में अभी कुछ नहीं बचा, क्योंकि मिस्टर राकेश झुनझुनवाला जी ने थोड़ा सा पार्ट अपना इसमें से बेच दिया। तो सबसे बड़ी सीखने की बात यही है फ्रेंड्स कि किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, चाहे वो कोई भी हो। जैसे कि मैंने कहा कि हमेशा हम लोगों को खुद की रिसर्च करनी है, मतलब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो बड़े निवेशक होते हैं अगर हम लोगों ने उनको फॉलो किया, जो वो शेयर खरीदते वही अगर हम लोगों ने भी खरीद लिया, हमारे पोर्टफोलियो में रख लिए, तो हम लोगों को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होगा, और वो जो शेयर बेच देते हैं मतलब वो शेयर ख़राब हो गया। फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और इसी रिलेटेड, ये मेंटालिटी से रिलेटेड ये जो मैंने बोला, इसी से रिलेटेड मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाने वाला है और आपको इसमें से थोड़ा नॉलेज देने वाला हूँ। तो जैसे कि मैंने बात बोली आप लोगों को कि मिस्टर राकेश झुनझुनवाला एग्जिट करने के बाद ये शेयर में डाउनफॉल आया, बट आप देख सकते हो कि उसके बाद भी ये कंपनी ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया और ये अपने ऑल टाइम हाई के करीब है, ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुकी है, माफ़ कीजिए। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या है, इसमें से सीख क्या है कि कोई भी कुछ भी करे हमें हमारा डिसीजन अपनी रिसर्च के बेस पे लेना चाहिए, यही इसमें से सबसे बड़ी सीख है फ्रेंड्स। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर रहोगे तो मैंने एक बहुत ही एक वीडियो बनाया था जिसके ऊपर मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस भी मिला था कि ऐसी एक फेमस पर्सनालिटी, आप सभी लोगों को पता है मिस्टर अमिताभ बच्चन, उन्होंने भी एक शेयर में एंट्री की थी और वो शेयर खरीदने के बाद बहुत सारे लोगों को लगा कि अमित जी अगर ये शेयर खरीद दे, बहुत ही हैवी लेवल पे उन्होंने खरीदा था, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी खरीदी थी, तो बहुत सारे लोग वो शेयर खरीदने के पीछे भाग गए। और जैसे ही उन्होंने वो शेयर खरीदा उसके बाद उसका लेवल आज वो किस लेवल पे मिल रहा है आप सभी लोगों को पता है। अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर रहोगे या फिर अगर अभी तक आपने वो वीडियो देखा नहीं होगा तो ऊपर आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो बिल्कुल नहीं करना है हम लोगों को। सो अल्टीमेटली ये टाइटन से रिलेटेड जो मैं बात बोलने वाला था वो मैंने बोल ली है कि ये बहुत ही अच्छा शेयर है, आप देख सकते हैं फंडामेंटल स्ट्रांग शेयर है, बिजनेस बहुत ही अच्छा है, पिछले 3 महीने का मतलब क्वार्टरली प्रॉफिट इनका 10,000 से लाख से भी ज़्यादा ग्रो हुआ है, और उससे बाद और भी देख सकते हो कि प्रमोटर्स की होल्डिंग 50+ है, तो बहुत ही ओवरऑल बहुत ही अच्छा शेयर है। तो जो कोई भी लोग ये पूछ रहे थे कि हमारे पास ये शेयर ऑलरेडी है क्या हम लोग इसे बेचें, तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली इसको आपको नहीं बेचना है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग नहीं करनी है, लंबी अवधि के लिए इसको होल्ड कीजिए, बहुत ही शानदार शेयर है फ्रेंड्स। और अभी तक अभी ने आप लोगों ने इस शेयर को नहीं खरीदा है तो मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि अभी ये फिलहाल बहुत ही हाई लेवल पे चल रहा है, ऑब्वियसली ये ऑल टाइम हाई पे है, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बाद में वापस करेक्शन आएगी, ये शेयर नीचे आएगा तभी आप खरीद के एंट्री कर सकते हो। तो ओवरऑल मैं यही बोलना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि ये बहुत ही शानदार शेयर है, मल्टीबैगर शेयर है। सो आई होप, ऐसा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए, और हाँ अगर इस चैनल में अगर आप नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और साथ ही बेल आइकन रहेगा उसके ऊपर भी क्लिक कीजिए, तो जो भी मेरा नया लेटेस्ट वीडियो रहेगा वो सबसे पहले आप ही को दिखेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।